फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्प्लिट एसी के बारे में सारी जानकारी आज लेने वाले हैं कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। ये सारा चीज़ हम जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और इस वीडियो को हो सके तो एक पार्ट से ज़्यादा पार्ट्स में बनाया जाए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसको स्प्लिट क्यों कहते हैं, यानी ये जो एसी है इसको स्प्लिट टाइप की एसी क्यों कहते हैं। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि ये जो है ये स्प्लिट एसी है। स्प्लिट का मतलब ही होता है कि टुकड़ा, यानी दो, यानी वो एसी जिसको दो हिस्सों में बांट दिया जाए वो होता है स्प्लिट एसी। इसको दो हिस्सों में इस तरह से बांटा जाता है कि इसका एक हिस्सा जो रहता है वो इंडोर यूनिट, इसको रूम के अंदर लगाया जाता है जहाँ पे हमें टेम्परेचर चाहिए, कूलिंग का हमें टेम्परेचर चाहिए, और दूसरा जो रहता है वो ये आउटडोर यूनिट रहता है, इसको हम रूम के बाहर लगाते हैं। इसमें से हमेशा हीट भी निकलते रहता है, इसको हम रूम के बाहर ही लगाते हैं। वो सब इसके बारे में आपको आगे सब जानकारी देने वाला हूँ। तो ये जो इंडोर यूनिट है इसको रूम के अंदर लगाया जाता है और एक कॉपर पाइप, ये देखिए यहाँ से कॉपर पाइप है, दो कॉपर पाइप रहते हैं, एक ये मोटा वाला पाइप रहता है और दूसरा पतला वाला, ये दो पाइप से जो है यहाँ से आते हुए पाइप को आउटडोर से जोड़ दिया जाता है। ये देखिए एक पाइप आके यहाँ पे ज्वाइन हुआ है और दूसरा पाइप जो है यहाँ पे ज्वाइन हुआ है। तो इस तरह से इंडोर यूनिट को दो पाइपों के जरिए से जो है आउटडोर यूनिट से जोड़ दिया जाता है और साथ ही साथ इंडोर यूनिट से एक सप्लाई दिया जाता है जो कि यहाँ आउटडोर के पास में आता है। और इसकी वायरिंग की जो वीडियो है इसी में आगे आती रहेगी, मैं बना दूंगा। तो इसमें जो सबसे पहले चीज़ हम आज जानने वाले हैं इसके बारे में, इंडोर के बारे में हर चीज़ आज हम सीखेंगे कि इंडोर जो यूनिट होता है स्प्लिट एसी के, इंडोर में कौन कौन से पार्ट किस तरह से लगे होते हैं, क्या काम करते हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं ये इसका थ्री पिन टॉप है, यानी ये मेन सप्लाई यहाँ से दी जाएगी इस एसी को। तो ये प्लग जो है जैसे ही हम बोर्ड में लगा के चालू करेंगे तो हमारी एसी जो है वो चालू हो जाएगी। और एसी चालू होने के बाद ये पीसीबी यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में आपको अभी आगे जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पीसीबी में एक रिले रहता है, रिले के जरिए से जो है ये आउटडोर को सप्लाई दिया जाता है। जब ये इंडोर चालू होता है तो उसके 3 मिनट के बाद जो है ये रिले आउटडोर के लिए सप्लाई छोड़ता है और 3 मिनट के बाद हमारा ये आउटडोर जो है ये चालू होता है, यानी आउटडोर में कॉम्प्रेसर और ये फैन मोटर 3 मिनट के बाद चालू होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंडोर के बारे में हर जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें हम जो है ये इंडोर के बारे में पूरा कवर करने वाले हैं, इसके बारे में हर एक बेसिक से बेसिक नॉलेज भी हम लेंगे यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ पे इंडोर यूनिट दिख रहा होगा, इस इंडोर यूनिट में जो है ये क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं पहले हम वो देख लेते हैं। तो जिसको सबसे नंबर वन से मैंने इसको, ये देखिए इसकी नंबरिंग मैंने की कर रखा है, हर एक पार्ट का क्या क्या नंबर इसको यहाँ पे मैंने दे रखा है, आउटडोर इंडोर सब चीज का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जिसका मैंने सबसे फर्स्ट नंबर दिया है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये ब्लोअर मोटर है, ये ब्लोअर मोटर जो होता है ये हवा जो रहता है ये ब्लोअर के जरिए से इंडोर में, यानी रूम के अंदर जो है वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा ये ब्लोअर मोटर ये फेंकता है यहाँ से। जब ये ब्लोअर मोटर चालू होता है तो ये ब्लोअर भी साथ में इसके घूमने लगता है। ये आप यहाँ देख सकते हैं ये ब्लोअर मोटर के साथ जो है यहाँ पे एक शाफ्ट निकले रहता है लंबा, और इस शाफ्ट में ही एक स्क्रू के जरिए से जो है ये ब्लोअर यहाँ पे इसमें लगा दिया जाता है, और ये ब्लोअर का दूसरा हिस्सा जो रहता है यहाँ पे एक स्लॉट में फंसा दिया जाता है ताकि ये एक ही जगह पे रह के लगातार ये रोटेटिंग करता रहे, ये घूमता रहे और जो ठंडी ठंडी हवा है ये यहाँ से फेंकता रहे। तो ये मैंने आपको ब्लोअर के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे जो दूसरा पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं दो नंबर का मैंने काउंटिंग कर रखा है, ये जो है ये पीसीबी है, यानी इसको जो है वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। ये सर्किट बोर्ड रहता है, ये इसका मेन बोर्ड रहता है, जो सप्लाई मेन दी जाती है वो यहाँ से डायरेक्ट इसमें आता है, और यहाँ पे सप्लाई आने के बाद जो है ये पूरे यहाँ पे इंडोर और आउटडोर को सबको यही जो है कंट्रोल करता है। ये यहाँ से पीसीबी से जो है ये ब्लोअर मोटर को सप्लाई दी जाती है, ये सेंसर जो है इसी के जरिए से काम करते हैं, ये स्विंग मोटर, यहाँ पे जितने भी अंदर पार्ट्स लगे रहते हैं वो सारे जो है इसी पीसीबी के जरिए से काम करते हैं, और आउटडोर को सप्लाई जो दी जाती है वो रिले भी जो है इसी पीसीबी में लगा रहता है। तो यहाँ पीसीबी जो होता है इसका मेन बोर्ड होता है, ये पूरे एसी को जो है वो कंट्रोल करता है। और एसी, इस पीसीबी के बारे में आपको बाद में बताने वाला हूँ, इसकी थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं कि इसमें एक फ्यूज लगा रहता है। इसमें मैंने अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा ड्राइंग बनाया है, अच्छे से नहीं बनाया है पीसीबी के बारे में, बाकी ये एसी का आप देख सकते हैं। पीसीबी के बारे में बारीकी से ड्राइंग नहीं बन पाया है, इसमें मैंने कुछ खास पार्ट ही लिए हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये जो है ये फ्यूज़ मैंने यहाँ पे बनाया है,
ये फ्यूज क्या काम करता है, जब भी कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है एसी में तो ये फ्यूज जो है वो ब्लास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पीसीबी के बारे में आपको बता दिया। पीसीबी में देखिए यहाँ पे फ्यूज लगा होता है, इसके अंदर रिले लगे रहते हैं, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कैपेसिटर्स लगे रहते हैं, कनेक्टर भी दिए रहते हैं हर पार्ट्स में लगाने के लिए। जैसे अपना ये ब्लोअर हो गया, ब्लोअर मोटर, तो इसका कनेक्टर यहाँ पे रहेगा, इसका स्विंग मोटर का कनेक्टर रहेगा, सेंसर का, दोनों सेंसर जो रहेंगे उसका कनेक्टर दिया रहेगा यहाँ पे, हर चीज़ का यहाँ पे कनेक्टर इसमें लगा रहता है, इसमें रेजिस्टेंस वगैरह बहुत सारे पार्ट्स जो है इस पीसीबी में लगे रहते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने इसके पीसीबी के बारे में भी देख लिया, पीसीबी को हमने जान लिया। अब यहाँ पे तीसरा जो पार्ट्स लगा होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये देखिए, इसके बारे में पहले ही आपको बता चुका हूँ, ये जो है ये ब्लोअर है, और ब्लोअर जो रहता है ये मोटर के साथ अटैच रहता है, यानी जब ये मोटर घूमेगा तो ये ब्लोअर भी घूमेगा, और ये ठंडी ठंडी हवा जो है वो रूम के अंदर फेंकेगा। हवा ठंडी की होती है, ये जो रहता है इसके ऊपर ये ऑपरेटर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये जो इवेपोरेटर चौथा नंबर यहाँ पे दिया है, ये इवेपोरेटर में जब गैस पूरे सिस्टम में जब रन करेगा पूरे एसी के अंदर, तो ये इवेपोरेटर के पास आके जो है वो गैस यहाँ पे ठंडा होना शुरू हो जाएगा, यानी ये पाइप जो है ठंडा होना शुरू होगा। इसका रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है मैं आपको किसी और वीडियो में बना के बता दूंगा कि ये ठंडा क्यों होता है। तो ये पाइप जब ठंडा होगा तो इस पे बर्फ नहीं जमता है, ये खाली इस पे पानी पानी हल्का हल्का आएगा, और जब यहाँ से हवा इसके आसपास से यहाँ से ऊपर से आते हुए इस तरह इस कॉइल के अंदर से जाते हुए ब्लोअर के पास पहुँचता है, तो ब्लोअर जो है उस ठंडी ठंडी हवा को आगे फेंकता है। तो इस तरह से ये इवोपरेटर यहाँ पे लगा रहता है, और ये जो पूरा यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये इवोपरेटर लगा हुआ है, यानी ये जो ब्लोअर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ब्लोअर जो है ये इवोपरेटर के अंदर लगा रहता है। तो ये मैंने आपको खाली दिखाने के लिए इस तरह की ड्राइंग बनाई है, नहीं तो ये ब्लोअर जो है ये इवोपरेटर के इस तरह अंदर ये ढके रहता है, ये दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे हमने ये चार नंबर के बारे में जान लिया, ये जो है ये इवोपरेटर है। अब यहाँ पे हम पांचवें नंबर को देख लेते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लूवर इसको कहते हैं, ये देख सकते हैं आप। इसकी मैं एक वीडियो भी इस पर चालू कर देता हूँ, आप उसको देख देंगे वहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे जो ये लूवर रहता है उसका काम ऐसे रहता है कि ये इंडोर यूनिट जहाँ पे लगा रहेगा उसके अंदर जो है वो ऊपर और नीचे एयर का फ्लो करने के लिए जो है ये लूवर लगा रहता है, यानी ये लूवर के जरिए जो है वो एयर का फ्लो कंट्रोल होता है, यानी ऊपर या नीचे कहाँ हमें चाहिए एयर का फ्लो वहाँ पे हम कर सकते हैं। और ये लूवर जो होता है ये इस जो है ये स्विंग मोटर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्विंग मोटर यहाँ पे लगा हुआ है, जो एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो पीसीबी द्वारा कंट्रोल होता है, ये स्विंग मोटर के जरिए से ये जो लूवर है ये चलता है, इसको लूवर मोटर भी कहते हैं या स्विंग मोटर कहते हैं। तो ये स्विंग मोटर के जरिए से ये लूवर जो है इस तरह से रोटेट करता है, इसके क्लिप में आपने देख लिया पहले ही। तो यहाँ पे स्विंग मोटर के बारे में मैंने आपको बता दिया, सिक्स नंबर यहाँ देख सकते हैं स्विंग मोटर का यहाँ पे दिया था, स्विंग मोटर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे सातवां आप देख सकते हैं, ये जो है ये सेंसर है, ये कौन सा सेंसर होता है, एसी में जो है वो दो सेंसर लगे होते हैं, एक सेंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा सेंसर जो है यहाँ पे लगा रहता है। तो दोनों सेंसर्स के जो काम है वो थोड़ा अलग अलग हैं, वो अभी हम इसमें जान लेते हैं। तो ये जो सेंसर होता है ये रूम टेम्परेचर सेंसर होता है, यानी यहाँ से जो हवा आएगा एसी में से, इसमें से पार होके अंदर से ब्लोअर में से सामने आएगा, तो वो जो ठंडी हवा रहता है, हवा कितना ठंडा हुआ है ये सेंसर उस हवा को सेंस करता है, और उसका हवे का टेम्परेचर जो रहता है, ये हवा जो यहाँ से पास होते रहता है लगातार, उस हवा का टेम्परेचर ये सेंसर जो है ये डिस्प्ले में पीसीबी के द्वारा एक कनेक्टर लगा के जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले रहेगा, उसी डिस्प्ले में इसका टेम्परेचर जो है ये दिखाता रहता है। तो इस सेंसर का काम ऐसे रहता है, और जब वो डिजायर टेम्परेचर के पास पहुंच जाता है तो ये सेंसर ऐसा काम करता है कि जो रिले को 12 वोल्ट सप्लाई मिलती है वो इसको कट ऑफ कर देता है, और हमारा रिले जो है 12 वोल्ट की सप्लाई जब बंद हो जाएगी तो वो जो 220 वोल्ट आउटडोर को जा रहा है ये रिले 220 वोल्ट को भी बंद कर देगा, क्योंकि रिले जब ऑपरेट नहीं होगा तो वो 220 वोल्ट जो बाहर आउटडोर को जा रहा है उसको नहीं भेजेगा। तो इस तरह से जो है ये सेंसर आउटडोर को पावर सप्लाई कट ऑफ कर देता है। और यहाँ पे जो है दूसरा सेंसर आप देख रहे हैं, इसको हम कॉइल टेम्परेचर सेंसर कहते हैं, इसको पाइप सेंसर भी कहा जाता है, और इसको जो है वो फ्रीज प्रोटेक्शन सेंसर भी कहा जाता है। तो ये सेंसर क्या काम करता है, जैसे हमारे इवोपरेटर पे जो है वो आइस जमता है तो वो ये सेंसर उसको प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने सात और आठ नंबर को भी देख लिया, अब यहाँ पे नौ नंबर को यहाँ पे हम देख लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे नौवें नंबर पे जो है यहाँ पे ये अपना मेन वायर आ रहा है, ये देखिए यहाँ से जो हम मेन सप्लाई दे रहे हैं वो यहाँ से होते हुए इस तरह यहाँ पे आ रहा है।
तो यहाँ मेन सप्लाई एक रहेगा और दूसरा 9 ही नंबर का मैंने एक और वायर बना दिया है जो आउटडोर सप्लाई को जा रहा है, यानी ये जो है यहाँ से ये कंप्रेसर हमारा आउटडोर को नीचे जाएगा। तो उसका कनेक्शन जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आपको मैं खाली इसमें पार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। तो उसमें मैंने इसको भी कवर कर लिया कि इसमें दो वायर्स रहते हैं, पहला वायर तो जो मेन सप्लाई रहेगा वो यहाँ पे आएगा और दूसरा जो है यहीं से रिले में से फेस और डायरेक्ट यहीं से न्यूट्रल लेते हुए जो है वो आउटडोर के पास जाएगा। तो इसकी वायरिंग की वीडियो मैं आपको आगे बताता हूँ, बाद में बता दूंगा दूसरी वीडियो में। तो इसमें हम खाली पार्ट्स कवर करने वाले थे, यहाँ पे 9 नंबर तक देख लिया, अब यहाँ पे 10 नंबर का देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे आपको एक पाइप दिख रही होगी, इसको कहते हैं ड्रेनेज पाइप, जो इस पे पानी आता है, यानी जब ये कॉइल जो है ठंडा करता है तो जिसका पानी जो धीरे धीरे बंद होने के बाद मशीन वो पानी जो है यहाँ पे लूवर से टच होके यहाँ पे एक ट्रे रहता है, उस ट्रे में गिरता है और ट्रे के जरिए जो है ये पाइप में से इस तरह से इस पाइप का कनेक्शन हम बाहर की तरफ कर देते हैं, जिसकी वजह से ये पाइप में से पानी बाहर की तरफ गिरते रहता है और जिस तरफ इस पाइप को निकालना रहता है हम उस तरफ जो है एसी को हल्का सा ढाल दे देते हैं। जैसे कि हमें पाइप इस तरफ निकालना है तो एसी इस तरह है, तो इसको हल्का सा ऐसे झुका देंगे, हम हल्का सा झुका देंगे ताकि जो पानी का फ्लो है वो इसी तरफ जाए, इसी डायरेक्शन में से पानी का फ्लो जाए। तो यहाँ पे हमने 10 नंबर यहाँ तक पूरा हमने देख लिया है, अब ये देखिए यहाँ पे 11 और 12 दोनों जो है यहाँ पे पाइप के बारे में बताया मैंने। तो आउटडोर सॉरी इंडोर में जो है यहाँ पे दो पाइप्स आप देख सकते हैं, दो पाइप रहते हैं और दोनों पाइप जो है वो आउटडोर को कनेक्टेड रहते हैं एक पाइप के जरिए से। यहाँ पे ये जिससे कनेक्टेड रहते हैं उसको कहते हैं फ्लेयर नट, ये फ्लेयर नट है, फ्लेयर नट से दोनों को जो है वो पाइप को फ्लेयरिंग करके फ्लेयर नट लगा के इंडोर से कनेक्ट कर दिया जाता है। इस तरह से दोनों पाइप जो है कनेक्ट हो जाते हैं, एक पतला रहता है और एक मोटा रहता है। मैं आपको यहाँ पे फ्लेयर नट दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये पाइप रहता है और ये जो है ये फ्लेयर नट है, ये समझ लीजिए ये इंडोर से यहाँ से ये पाइप निकल के यहाँ पे आ रहा है और ये इंडोर में ये देखिए यहाँ पे ये पाइप जो है ये इस तरह से रहता है और ये एक पाइप रहता है ये भी जो आउटडोर से कनेक्टेड रहता है, ये इस तरह पाइप को फ्लेयर कर दिया जाता है। ये देखिए पाइप की इस तरह से फ्लेयरिंग करने के बाद जो है इसमें ये फ्लेयर नट लगा के इसको जब इस तरह से टाइट किया जाता है तो वो पाइप उससे कनेक्टेड हो जाता है। उससे कनेक्ट होने के बाद जो है यहाँ पे गैस लीक नहीं होता है बिल्कुल भी और ये जो है इससे हमेशा कनेक्टेड रहता है, जिससे जो आउटडोर का जब कंप्रेसर चलेगा तो वहाँ से जो है पूरा गैस रन करते करते इस तरह से इंडोर में आएगा और यहीं पर नीचे एक मोटा पाइप रहता है जिसके जरिए से दोबारा जो है ये पूरा गैस वो आउटडोर यूनिट को जाता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ये फ्लेयर नट यहाँ पे लगा होता है। तो इंडोर यूनिट में देखिए कैसा रहता है कि ये जो इवेपरेटर पूरा रहता है, ये देखिए इस तरह से ये जो इवेपरेटर रहता है इसमें दो पाइप्स रहते हैं, दो पाइप पे यहाँ देख पा रहे हैं, दो पाइप जो है ये आ रहे हैं यहाँ पे कूलिंग कॉइल जिसका ये इवेपरेटर रहता है इस पे दो पाइप रहते हैं। तो दो पाइप जो यहाँ पे अंदर आ रहे हैं ये देखिए आप यहाँ से आके निकल रहे हैं, ये यहाँ से स्ट्रेट इस तरह से आते हैं, यहाँ से देखिए इस तरह से स्ट्रेट आके फिर यहाँ से ऊपर की तरफ बेंड हो जाते हैं और यहीं से जो है बाहर निकल रहे हैं, एक यहाँ जा रहा है और दूसरा जो है यहाँ पे जा रहा है। तो एक पाइप जो है यहाँ से आते हुए पूरा इस तरह से अंदर घूमता है, इस तरह से रन करता है, पूरा दौड़ते रहता है, फिर यहाँ से रन करते 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 इस तरह से जो है यहाँ से दोबारा बाहर चले जाता है, यहाँ से जो है दोबारा ये बाहर चले जाता है और ये जो है आउटडोर को चले जाता है। तो इस तरह से इसमें जो पाइपिंग का पूरा कनेक्शन दिया रहता है और इस तरह से इंडोर यूनिट में जो है इतने ही पार्ट्स लगे रहते हैं। तो इसका जो दूसरा पार्ट है यानी आउटडोर यूनिट के बारे में उसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो आगे शेयर भी जरूर कर दें।